तब निरहुआ के ऐसे हथवा करके कहा लाए कि ले लीजिए ले लीजिए, तब ओकरा बुरा ना लगा लाए। सुनो ना बात, बोला कि मैं माइक से उसका मुंह तोड़ देते, आप तोड़ देते तो सचमुच में आप शेरनी थी, स्टेज छोड़ के भागी है तो भगवानी गरिमा भी तो उनकी अलग है। कलाकार के बात हुई थी, शारदा सिन्हा की जो गरिमा है अक्षरा सिंह उस तरह मिश्रा को भी जितना स्टेज मिलता है ना सर, शायद उसको भी नहीं मिलता होगा। अभी भी यहाँ अक्षरा सिंह आएगी ना, अभी भले यहाँ एक आदमी नहीं दिख रहा, साला यहाँ 200-400 आदमी खड़ा हो जाएगा। कहीं ना लग लो थोड़ा घमंड हो गई है, वो तो बात की बात है, कलाकार के अंदर घमंड न रहती तो केकरा अंदर घमंड। ऑडियंस पे नाचने, यहाँ आप मुद्दा को भटका रहे हैं, यहाँ कलाकार को आप एजिट कर रहे हैं। आज बिहार आईना के न्यूज चैनल पे समीर भैया, जैसा कि आप पहले भी आ चुके हैं, दरअसल मुद्दा आज है अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह के बारे में कल है बहुत ही ज्यादा तारीफ के फूल बांध रहे थे, मुझे लगा कि ना इसमें मुझे ही बात करना चाहिए। एक बात बताइए, आपको कहाँ से लगती होगी शेरनी है? कहाँ है, कहाँ से लगती बताइए ना। लड़की है? नहीं लड़की है तो शेरनी थोड़ी होगी। अरे भैया के बात, अकेले लड़ी थी और वो जो मजदूरी करी थे ईटवा ली थे लड़की वाले गोलियां बांध बांध के, वो शेरनी नहीं थी। शेरनी है तो जाके मजदूरी करती, लड़के जमाना के जीत के आगे बढ़ जमाना के जीत के आगे स्टेज पे नाच करते महाराज। हम समझ गए हथुन भैया, विपक्ष ना विपक्ष क्या बात समझ गए, विपक्षी बात फूल बांधा बांधी के जो बात कहला, जो समीर चौधरी के नाम लेला के बाद जो विशाल के नाम ले लू ना, हम समझ गए। अब हम पहले बतावे तो सुन ला हमारे बात, बोला अक्षरा सिंह वो लड़की है जो कि इतना ट्रोल होला के बाद भी, इतना एक मतलब शोषण करला के बाद भी आज देखिए कि अकेले ही जहाँ भी जाती है तो अक्षरा सिंह अभी तो भैया भीड़ लग जाए। बोले के बात नहीं, अभी भी यहाँ अक्षरा सिंह आएगी ना, अभी भले यहाँ एक आदमी नहीं दिख रहा, साला यहाँ 200-400 आदमी खड़ा हो जाएगा नाम पे। लेकिन एक सुन ला, कल हम बोलिक है कि भीतरे भीतरे माल खाता रे दीदिया के धर के नाता। अब जो जो उसको बहिन बोलता है, आये रे बहिन बेचवा, आये रे बहिन पे रुपया फेंकवावे वाला आदमी हराम ज्यादा सब, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब वो माइकवा फेंक दी तो गरिमा खराब हो गई स्टेज बा के, जखनी तू धर के माल के जैसे चापा है इधर के जखनी ना तोरा लगाओ तो जो चापने वाला होगा उसको चापेगा भैया। देखिये सबको इसलिए चापा जाता, आपको स्टेज पर बुलाया गया, गायक की सबकी चिंता, नया गायक की बात करे सुरेश मिश्रा की बात करे, सुरेश मिश्रा की बात करे, सुरेश मिश्रा को भी जितना स्टेज मिलता है ना सर, शायद उसको भी नहीं मिलता होगा। अरे भैया मेरे काहेला 5000 रुपया मेरे इसको पैसा, इसको पैसा लोग इसलिए देता है, खूबसूरत है, वो ऐसा बातें सुन लीजिए बता, तो लोगों को लगता है कि इसको नचाएंगे थोड़ा मजा आएगा। ये एक इंटरटेनमेंट के लिए जाती है वहाँ पे, लोगों को इंटरटेनमेंट, यहाँ लोग का मन खुश करे ना जाए, और जो बारिश के पानी गिरा के जो ऐसे ऐसे वाला नाच होता है ये करने अक्षरा सिंह नहीं जाती है वहाँ। अक्षरा सिंह जाती है समाज, अक्षरा सिंह एक रंगारंग कार्यक्रम के लिए बनी है भैया। हाँ रंगारंग कार्यक्रम के लिए नहीं बनी, सुन लीजिए जेकरा आप नाम लेके जो पूरा पुल बांध दे लू, अभी कही था कि इतना मिले प्रोग्राम उतना मिले, औसन औसन प्रोग्राम डेली है झोला में भर भर के फेंकाए लोगा, 4000-5000 में तो यहाँ गांड दिखावे ला कोनो आदमी खड़ा हो जाएगा, समझे कि नहीं। 5 लाख रुपया लेती है, बुरा लगा कि उस पे नोट छिड़क दी गई, कोई क्या लगते, कोई लगता है जब जब निरहुआ के ऐसे अथवा करके कहा लाए कि ले लीजिए ले लीजिए, तब ओकरा बुरा ना लगा लाए। उन्होंने बता भैया, अभी मान लीजिए कि आप किसी से मांग रहे हैं कुछ और मांग देने का तरीका गलत हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको? कोई पैसा आप मेहनत का पैसा ही आप अगर ऐसे लीजिएगा और ऐसे लीजिएगा तो अंतर है कि नहीं है बताइए। कलाकार को आपको एक बात बता दे भैया, आप समाज के एक युवा हैं, अब भैया आप सबसे बड़ा होते आपके पास हथियार है सच बोलने का, तो आप सच में ये दिखाइए कि अगर अक्षरा सिंह कम बोले वाला बात नहीं, स्टेजवा पे जिस प्रकार आज उनको परेशान किया जा रहा है, जिस प्रकार उनको सोच रहा है कि दबा दबा के नीचे गिरा दे, अगर स्टेजवा पे अगर मर जीती है चाहे कुछ हो जीती है तो रैप लिखे वाला सबसे आगे तो स्टेजवा पर चढ़ने ले वो बंदा चढ़ा था, उसे बात ना हो भाई बतावा सुना ना, रैप लिखे में तो ही आगे रह तू, अब पूरा यहाँ यूपी दिल्ली बम्बई के लड़का लड़की सब निकल जाता कैंडल लगा ला के अक्षरा दीदी रैप अक्षरा दीदी फलाना ये वो, तो हमारा का नाम है कि ऐसी सहानुभूति क्यों देना है, लोगों के मौत पे अपना चेहरा चमकाने का काम जो करते हैं लोग, ये गलत बात है। मुद्दा लेकिन यहाँ नहीं, नहीं कोई भटकाए की बात नहीं, ना 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 मुद्दा था कि अक्षरा को जैसे जिस तरह से लोग कह रहे कि नहीं वो बहुत अच्छी काम कर रही थी, अच्छा गा रही थी, नाच रही थी, लोगों ने पैसा उसमें क्यों फेंक दिया? भाई नाचने वाला पे पैसा नहीं फेंका गया तो क्या फेंकेगा? तोरा बता दी थी जो फेंक ली ना पैसा, ओकरा हम खोल के बोल दे रहे तोहर यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ गया और जो ऑडियो जो बजा रहे थे ना वहाँ पे तुम्हारा भी आ गया, जब चूतर पे बजेगा ना पुलिस का डंटा तो तुम बता दोगे कि कौन मौसा के कहला पे तू ऐसे किया? देखिए किसी मौसा के कोई कहने पे पैसा नहीं उड़ाता है, ये शौक होता है, जब तो कोई नाचने गाने आते हैं स्टेज पे तो लोग पैसा उड़ाते हैं। एक और बात है, बिल्कुल बताओ, स्टेजवा पे जो बहुत तू बोला ही था तुम हम सुनाई थी, वो 20 रुपए जो ऐसे करके जो फेंका था, कभी शारदा सिन्हा के मुंह पे फेंका है कोई? सुन लीजिए बता दे रहा है,
कभी भी कल्पना जी के मुँह पे ऐसे फेंका है जाके? कल्पना जी और शारदा जी के मुकाबला अक्षरा सिंह करेंगे। सुन ला बता दे दुलुआ, मैं मुकाबला के यहाँ बात ना होती, बात होती यहाँ कलाकार के। तो गरिमा भी तो उनकी अलग है, कलाकार के बात हुई थी। शारदा सिन्हा की जो गरिमा है, अक्षरा सिंह तो उस पर। अच्छा, अक्षरा सिंह के कोई एकदम गंदा गाना बता दा हमरा, जेकरा पे आदमी के दम शरम आवा हुई। कौन गंदा ऐसा गाना नहीं है, निरहुआ के साथ देखे मूवी है महाराज, एक से गंदी अकेले न चलना पीपरवा के करवा वही पे काम हो जाए। अक्षरा सिंह है जी, लड़का के साथ कितनों लड़की देती है, बदनाम लड़की होती बता दे यहाँ बदनाम अक्षरा सिंह के करल जाए थे। अरे भैया हमू जाने थे, हम गोर लगे माइकवा के, लेकिन माइकवा हमारा पास है ना, अरे हमारा सामने गलत करेंगे तो माइकवा कान में डाल देंगे। बिल्कुल वो डाल देना चाहिए था, वो जैसे अक्षरा जी ने बोली भी आकर के कि मुझे उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था, तो मुंह मत तोड़ देता ठीक हलो, लेकिन माइकवा जब फेंक करके तोरा एगो इंसान हलो, तोरा बेइज्जती हलो, वहाँ लाखों की भीड़ हाले, उस अध्यक्ष पे क्या गुजरा होगा स्टेज छोड़ के चल। कुछ नहीं, सब अध्यक्ष जो है झोला छाप है, झोला छाप अध्यक्ष चंदा लेलकी होती नहीं के दल की ना। अरे भैया काहे ले गान में दम नहीं पा देला बेटा, मैया के हक गाओ भैया, वो सब बात ना चल। तो भैया हमारा दम हलवा तो हम भैया बोली थी, हम अगला लगे आवाज बनी थी, आवाज बनी है हर इंसान के लिए, आवाज बनना चाहिए सच और झूठ के लिए आवाज बनना चाहिए। लड़की है भैया, हम लड़की को देख के लड़की का सम्मान हम भी करते हैं। लाख लड़की लड़कियों को जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट हम भले नहीं करते, क्योंकि अक्षरा सिंह का पहनावा गलत रहता, कुछ इस तरह का बोली रहता, लोगों के बीच अलग प्रोड रहता, तो हम नहीं करते भैया। एक बात और कहना हो कि वो भाई जो है नहीं जो कही था लेकिन बहन दीदी गलत का बोल रहे, सभ्यता है उसमें। अरे भैया सभ्यता है, तोर बहन के बीच के नोट फेंक दिल को तो लगने चल चल कर बोले सर। कोई जो उसका बाप ही जब साथ में स्टेज पे चढ़ के नचवा रहा है और मस्ती कर रहा हंस रहा है, उसको क्या कहिए? ऐसा बात नहीं है, देखिए वीडियो में साफ दिख रहा हमारा। अरे भैया उसके पिता का भी उसको बेटी मानवे नहीं किए, कहते हैं बेटा है, आप बताइएगा बेटा है तो फिर बुरा काहे ना मान गया पैसा छिड़क लगा। अरे भैया काहे ना मानते, बुरा काहे ना मान, नहीं नहीं आप मान लीजिए कि आप नचवा रहे हैं तो बुरा मान लीजिए। अच्छा ठीक है, आपके घर में ही आप मान लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी अगर बेटी कहे कि हम अकलौती है, बोले कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं, तो अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? भड़ुआ बाप कहा जाएगा क्या? आप कहिएगा सामने वाला से कि मुझे यहाँ ना पकड़ो यहाँ ना पकड़ो। हाँ हो भाई, समझा कुश्ती ऐसे ऐसे करके ऐसे कर रहे ओकरा में कभी भी देखला होती है वो नियम है, लड़की के दोनों पट्टी से पकड़ के ऐसे पकड़े के ना है, चाहे ओकरा में ऐसे दबावे पड़ जाए, समझ लो कि ना वो सब मियाँ ना चलता, कुश्ती में भी नियम कानून हो गए, अगर लड़की के साथ खेल रहा है ना तो उसके कान में हाथ डाल के नहीं पटक सकते, नहीं पटक सकते और हाथ चल जाएगा। हमारा से ना बतियाइए, हम अपने कुश्ती का मास्टर रहिए, हम अपने भैया पर यहाँ आप मुद्दा को भटका रहे हैं, यहाँ कलाकार को आप भैया भैया मुद्दे पे बात हुई थी, लड़की है हम सम्मान करते महाराज, लड़की के हम कहाँ कह रहे हैं सम्मान हम भी कर रहे हैं, अक्षरा जी के भी हम सम्मान गलत होते, लेकिन आप जिस मुद्दे पे आए हैं जहाँ पे आप आए हैं इस तरह से भागना नहीं चाहिए था, भागने वाला बात है भैया उनका मान। अरे अध्यक्ष से बोलती कि इस तरह की व्यवस्था है तो हम चले जाएंगे जी, वार्निंग देती ना कहीं ना लग लगा तोरा घमंड हो गई है, वो तो बात की बात है, कलाकार के अंदर घमंड ना रहती तो केकरा अंदर घमंड, ऑडियंस तोरा बनल को मतलब आसमान पे पहुंचा दल को ऑडियंस किस तरह से सुनला बता दे थी लुआ, वो घमंड का मतलब वो ना कि कोई के गाड़ी देके निकल के ली, एगो बात सुन लीजिए, अभी आप बढ़िया से फेरा में नहीं फंसे हैं, यानी लगता है नायक फिल्म नहीं देखे होंगे जेकरा में अमरेश पुरी जी के सारे एको फोटो के चक्कर में ऐसे छील दल के तो बोला के हाथवा धर कैसे तोड़ दल के पता है बा तो छोड़ दू नेता अभी नेता ना है। और बात सुन लीजिए, होता क्या है ना कि जब आपको चिन्हने लगेंगे ना लोग, जब सैकड़ों के भीड़ में जब आप उतरिएगा ना तो ऐसे करेगा, ए भैया एगो टोपी खिस्तवा कान खिस्तवा तेरी माता जनमल एगो ही फाड़ देलियों के साथ होता है साहेल वही में कोई धर के एक आदगो ऐसे कर दल की तो का हो गई भैया नहीं होना चाहिए ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए रहिएगा तो कर दीजिएगा, हम जाने ना भैया हम जान नहीं करेंगे, जैसे लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर वैसा कोई करता है तो दिक्कत नहीं हो चाहिए, क्योंकि वही काम हूँ भैया केकरा काम हूँ कोई ना कह सका, वही बात हम भी नहीं कह सकते हैं आप, इसलिए कि उस बीच में कुछ विरोधी लोग करते हैं, हम जनता को नहीं बोल रहे या कोई और मतलब विरोधी था वो लोग, बहुत तरह का बात है, जेकरा पे कहला पे फेंक लिए ना पैसा बेटा, हम सब जानी थी और जो गरमा बजेली है ना यहाँ बात देखा, तू वो लड़ाई में तोरा भी पता हो तुम्हारा गोतिया के लड़ाई में मजा मारे गांव के आदमी, यही मजा मार के ही तू आके ये बोले वाला बात ना, अक्षरा दीदी आपके साथ आपका भाई है, देखिए अक्षरा भाई नहीं कह सकते भाई, लेकिन जो सच है वो मैं सच बता रहा हूँ, आप अगर गए हैं वहाँ पे नाचने तो कोई वहाँ पे नाचने का चेहरा दिखाने का दिखा ले, ये एक एक्ट्रेस है,
ये एक सिंगर है। हाँ। ये एक इंटरटेनमेंट नाचने का बात है या नहीं? नाचने के लिए सोना गाछी से बुलाइए ना, नाच तो रही थी। बुलाइए एक्ट्रेस का मतलब थोड़ी था, नाच तो रही थी ना वो। रंगारंग कार्यक्रम में क्या होता है कि मान लीजिए अभी हम लोग या परिवार में घर में जब प्रोग्राम होता है तो आप लोग नाच लेते होंगे, करते तब ओकरा मैंने कहा भैया कि जब तू नाची था तोरा हम नचनिया बोल दूंगा। नहीं देखिए एक कार्यक्रम लोग कार्यक्रम में ओकरे बोले घर के कार्यक्रम का रंगारंग कार्यक्रम करल जाए, स्टेज शो हो रहा है, स्टेज शो के बाद वहाँ पे जाकर बिंदिया जो छोड़ी साथ में नहीं मतलब आपके कहने से अक्षरा जी बिल्कुल गलत नहीं होते, हम गलत नहीं है, हम सही किए हैं। समीर चौधरी रहता अगर अक्षरा जी के पीछे तो माइक फेंका गया ना, लेकिन माइक हम उसके मुंह पे फेंकते हैं जो इस तरह का घटना का अंजाम था। वो आते ना एक आदमी को जब पर मर्डर हो जाए वो भी मैं समझ रहा हूँ, होना चाहिए था। अक्षरा जी ने भी बात बोला कि मैं माइक से उसका मुंह तोड़ देते, आप तोड़ देते तो सचमुच में आप शेरनी थी, स्टेज छोड़ के भागी है तो भगोरनी कोई बात नहीं है, भगोरनी